अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पकौड़े वाली कढ़ी गुजराती स्टाइल में बनाने जा रहे हैं और साथ में भी हम येलो राइस भी बनाएंगे। और ये प्लीज़ हमारी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह, आज हम लोग कढ़ी पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। मैं कढ़ी का पहले आपको बता रही हूँ। कढ़ी के लिए मैंने 1.5 पाव मैंने दही लिया है। इसके बाद मैं 3 टेबल स्पून मैं बेसन डालूंगी। चना का आटा 3 टेबल स्पून मैंने बेसन डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा हल्दी पाउडर डालूंगी, डाल के अच्छी तरह से मैं इसको मिला लूंगी। थोड़ा पानी भी डालूंगी। पानी डाल के मैं अच्छी तरह से मिला के मैं आपको अभी बताऊँ। कढ़ी का सामान मैंने मिला लिया था। मैंने इसके अंदर दही डाला है, 1.5 पाव जितना दही है और बेसन है, चने का आटा और हल्दी डाल के मैंने इसको मिला लिया। अभी मैंने चूल्हा को फ्राई पैन रखा है, ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अभी मैं इसके अंदर राई मेथी डालूंगी, राई मेथी के बाद मेरे पास अदरक लहसुन मैंने कूट लिया था, अदरक लहसुन वो डाल दी 1 टेबल स्पून कूटा हुआ अदरक लहसुन, और 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन मिर्ची डाल दिया। अभी मैं इसका तड़का लगाऊंगी। ये हो गया है। अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, डाल के ये अभी चूल्हा के ऊपर रख के मैं अभी पका लूंगी इसको। कढ़ी को मैंने पकने के लिए रख दिया है, ये स्लो आंच में पकेगा। पहले फुल आंच पे इसको पकाऊंगी, बाद में स्लो आंच पे इसको मैं रख दूंगी। और जो मैं राइस बनाऊंगी, राइस के लिए मैंने राइस लिया है, मैंने 2 कप राइस लिया है और 1/2 कप मैंने मूंग दाल लिया है। अभी मैं इसको धो के भिगो दूंगी। अभी हम लोग पकौड़ा के लिए कर रहे हैं। पकौड़ा के लिए मैं प्याज लिया है, चॉप्ड किया हुआ प्याज मैंने लिया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा डाला, होल जीरा डाला, थोड़ा ग्रीन चिली मैं डाल रही हूँ कटा हुआ, मोटा कुटा हुआ मैं धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा बेकिंग सोडा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा से चना के आटा मैं डाल रही हूँ, बेसन 4 टेबल स्पून मैंने डाल दिया, सॉल्ट डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, बाद में टेस्ट करके मैं डालूंगी। और कढ़ी में मैंने अभी तक सॉल्ट नहीं डाला, मैं बाद में डालूंगी कि पहले डालने से कभी कभी दही फट जाता है, कढ़ी फट जाता है, इसलिए मैं थोड़ा देरी से डालूंगी सॉल्ट। और कढ़ी मेरा पक रहा है। इसके बाद मेरे पास मिर्ची भी है और ये जो बेसन है पकौड़ा के लिए, बेसन जो है मैंने सारा चीज़ डाल दिया है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं मिला लूँगी। कढ़ी मेरा पक रहा है, अभी थोड़ी देर पकेगा। इसके अंदर मैंने सॉल्ट नहीं डाला था, अभी मैं सॉल्ट डाल रही हूँ इसके अंदर, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, चाहिए तो बाद में डालूंगी मैं। अभी इसको मैं दूसरा चूल्हा पे स्लो आंच पे रखूंगी और मैं पकौड़ा बना लेती हूँ। अभी पकौड़ा के लिए मैंने ऑयल मैंने गर्म रख दिया है और पकौड़ा का मिक्सर भी मेरे रेडी है। इसके अंदर मैं थोड़ा क्रश रेड चिली मैंने डाल दिया है मोटा कूटा, और पकौड़ा का मैंने सॉफ्ट भी नहीं किया, नरम भी नहीं किया, थोड़ा हार्ड भी नहीं किया, मीडियम किया है। मैं आप हाथ से भी डाल सकते और स्पून से भी डाल सकते। तभी ऑयल मेरा रेडी हो गया, मैं अभी हाथ से ही डालूंगी। बिस्मिल्लाह, इतना बड़ा बड़ा मैं नहीं करूंगी। पकौड़ा मेरा रेडी है, अभी इसको निकाल देती हूँ।
दूसरा जो पकौड़ा है वो भी मैं इसी तरह फ्राई करूँगी। अभी मेरे पास जो मिर्ची है, अभी मिर्ची का अंदर ये डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। अभी मिर्ची को भी मैंने मिला लिया बेसन, अभी उसको भी मैं फ्राई करूँगी। मिर्ची भी फ्राई हो रहा है, किसी किसी को मिर्ची बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा पकौड़ा के साथ थोड़ा मिर्ची भी डालूँगी। हाँ, मेरा मिर्ची अभी रेडी हो गया, मिर्ची का पकौड़ा। अभी इसको मैं निकाल देती हूँ। कड़ी मेरा हो गया है, अभी इसके अंदर मैं पकौड़ा थोड़ा मिलाऊंगी और सॉल्ट थोड़ा कम है और थोड़ा मैं सॉल्ट डाल रही हूँ इसके अंदर। अभी इसके अंदर मैं पकौड़ा डाल रही हूँ, मिर्ची का पकौड़ा डाल रही हूँ। 3-4 मिर्ची का पकौड़ा मैंने डाल दिया और दूसरा पकौड़ा भी मैं डाल रही हूँ। सारा मैं नहीं डालूँगी। अभी थोड़ी देर मैं अभी दम पे पकाऊंगी, इसके बाद इसका मैं तड़का लगाऊंगी। अभी ऑयल मेरा गर्म हो गया है, अभी इसके अंदर जो रेड चिली होल है वो मैं डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता है वो मैं डालूंगी, अभी थोड़ी देर के बाद मैं जीरा डालूंगी। जीरा डाल के मैं कड़ी के अंदर तड़का लगाऊंगी। थोड़ा लहसुन चॉप किया है वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, कि लहसुन कड़ी के अंदर बहुत अच्छा खुशबू आता है, अच्छा भी लगता है। इसके अंदर थोड़ा मैं जीरा डालूँगी, जीरा डाल के इसको मैं तड़का लगाऊँगी। अब साबुत जीरा मैंने डाल दिया, अभी कड़ी के अंदर मैं तड़का लगा के मैंने इसको बंद कर दिया। कड़ी मेरा रेडी हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा कलर आया है। अभी मैं चावल बना रही हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ रेडी कर रही हूँ। अभी राइस मैं बना रही हूँ, अभी मैं घी से राइस बनाऊँगी, तो मैंने घी डाल दिया, 1.5 टेबल स्पून डाल दिया मैंने। अभी उसके अंदर मैं होल रेड चिली है 4-5 वो मैं डाल रही हूँ, तेज़पत्ता है वो डाल रही हूँ, ज़ीरा है भी वो भी मैं डालूँगी। अभी मिर्ची तेज़पत्ता मैंने डाल दिया, राइस बनाऊँगी। अभी प्याज मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, प्याज के बाद मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। और राइस को मैंने धो के, दाल और राइस को मैंने धो के छन्नी में रख दिया था, इसका पानी निकल गया। मैंने घी डाला था 1.5 टेबल स्पून, ये राइस के लिए है। रेड चिली भी मैंने डाला, होल तेज़पत्ता डाला, ज़ीरा डाला, डाल के इसको थोड़ा पका लूँगी। प्याज मेरा हो गया है लाइट ब्राउन, अभी इसके अंदर मैं राइस डालूँगी। डाल के मैं थोड़ा भून लूँगी। अभी मैंने सॉल्ट नहीं डाला था, इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया। जब भी हम लोग करी बनाते तभी हम लोग यही राइस बनाते। जब मेरी सासू माँ थी उन्होंने मुझे सिखाया है डिश, तब से हम लोग यही पकाते, इसी तरह ही पकाते। इसके अंदर मैं थोड़ा हल्दी डालूँगी, मैंने इसका हल्दी पाउडर डाल दिया 1/2 टीस्पून। अभी थोड़ा भून लूँगी। मैंने भून लिया है, अभी इसके अंदर मैं पानी डालूँगी।
और एक जग में पानी डालूंगी इसके अंदर। थोड़ा ये फूल चूल्हा के चूल्हा में पका के बाद में इसको स्लो कर दूंगी, थोड़ा बॉयल आ जाए। इसको गुजराती में छोटा खिचड़ी भी बोलते हैं। हमेशा करी के साथ आलू बैंगन सालन के साथ ये राइस ही बनता है हमारे घर पे। अभी मैं बॉयल हो जाए बाद में मैं स्लो पे रख। राइस भी मेरा रेडी हो गया है और करी भी रेडी है, दोनों चीज़ रेडी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके बता रही हूँ। नाज़रीन, ये हमारा पकौड़े वाले कढ़ी और पीला राइस येलो राइस बिल्कुल तैयार है, साथ में मिर्ची पकौड़े वाले भी तैयार है। इसी रेसिपी को आप इस फॉलो करें, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। और ये पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आइंदा वीडियो के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।